गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लोग जो है क्लास सिक्स कॉमर्स पर हैं, जिसमें अध्याय 14 अध्याय 14 का नाम है समीकरण। तो सबसे पहले हम समीकरण लेते हैं, जैसे x माइनस फोर इक्वल टू एक्स, ये समीकरण है। ठीक इसी प्रकार से टू इंटू एक्स प्लस सेवन इक्वल टू 17, ये भी समीकरण है। लेकिन इस प्रकार से x माइनस फोर माइनस टेन, ये समीकरण नहीं है। ठीक, ये पहला क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है कि बायां भाग और दायां भाग, जैसे x माइनस फाइव इक्वल टू फाइव, इसका बायां भाग क्या होगा, बायां भाग होगा आपके पास है, बायां भाग बराबर हो जाएगा यहाँ पे x माइनस फाइव, और दायां भाग बराबर क्या हो जाएगा, दायां भाग, दायां भाग बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से और क्वेश्चन करिए, बायां भाग और दायां भाग मतलब बराबर से पहले का बायां भाग हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, बराबर के बाद में क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, अज्ञात संख्या को y मान करके समीकरण बनाना है। अज्ञात संख्या को y मान करके क्या करना है, समीकरण बनाना है। जैसे इसमें दिया है, तो माना कि अज्ञात संख्या जो है क्या है, वह संख्या क्या है, x लिख देते हैं, तो यहां दिया है y, y लिखना पड़ेगा। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है किसी संख्या के दुगने में से, किसी संख्या के दुगने, माना कि संख्या क्या है, y है, तो हो जाएगा दुगने में से 3 कम करने पर, दुगने में से 3 कम करने पर क्या हो जाता है, 17 आता है। ये बन जाएगा आपके पास इस प्रकार से समीकरण। इस समीकरण को हल मत करना, केवल आपको समीकरण के रूप में लिखना है कथन को। फिर इसी प्रकार में किसी संख्या एवं 5 का अंतर 8 है, तो संख्या क्या लेंगे, y माइनस 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8। ये इस प्रकार से केवल आपको क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, समीकरण बनाना है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में समीकरण दिया हुआ है, उसको आपको कथन के रूप में लिखो। जैसे x माइनस 6 इक्वल टू 9, तब किसी संख्या में 6 करने पर, 6 कम करने पर या घटाने पर 9 प्राप्त, किसी संख्या में 6 घटाने पर 9 प्राप्त होता है, ऐसे लिखेंगे। अब इसको जैसे इस प्रकार से, और हमारे पास 7y माइनस 14 इक्वल टू क्या कर दिया है, 0। ठीक, किसी संख्या के 7 गुने में 14 घटाने पर या कम करने पर क्या होता है, 0 होता है। इस प्रकार से आपका जो है ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। तो ऐसे आपको शब्दों में और जो है शब्द है उसको समीकरण के रूप में लिखना है। ठीक है, थैंक यू।